नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्षी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। बरसात थमते ही प्रदेश में विकास और सड़कों के निर्माण कार्यों में तेजी दिखाई देगी। दूरदराज गांवों को संपर्क मार्गों के जरिए मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए केंद्र से मिले भरोसे के बाद धामी सरकार की पोटली से ज्यादा धन निकलने जा रहा है। अनुपूरक बजट में गांव तक सड़कों का जाल बिछाने और स्वरोजगार योजनाओं के लिए ज्यादा धनराशि देने की तैयारी है। अनुपूरक बजट का आकार 7000 करोड़ तक रखने पर जोर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मानसून सत्र में ही अनुपूरक बजट के जरिए बड़ी चुनौती से निपटने की तैयारी में जुट गए हैं। 23 अगस्त से प्रस्तावित विधानसभा सत्र के दौरान जब सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी तो बतौर मुख्यमंत्री धामी 1.5 महीना पूरा कर चुके होंगे। अनुपूरक बजट में भी इन केंद्र पोषित महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर धामी सरकार की तैयारी नजर आ सकती है। सड़कों पर सरकार का खास जोर रहने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते 42 सड़क योजनाओं के लिए 614 करोड़ से ज्यादा धनराशि केंद्र से मिलने की जानकारी दे चुके हैं। इसके साथ ही स्वरोजगार योजनाओं के लिए भी अनुपूरक बजट में ज्यादा धनराशि की व्यवस्था करने की तैयारी है। दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए 17 से 30 अगस्त तक जिले में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए टीकाकरण केंद्र भी चिन्हित किए हैं। इस संबंध में एम्स ऋषिकेश समेत संबंधित अस्पतालों के चिकित्सा अधिकारियों को पत्र भेजकर उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेती और जिला प्रशिक्षक अधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार पांडे की ओर से जारी पत्र में अस्पतालों को निर्देश किया गया है कि दिव्यांगों और बुजुर्गों को प्राथमिकता के आधार पर टीके लगाए जाएं। अभी विभिन्न केंद्रों के अलावा घर घर जाकर भी ऐसे लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। बाकी बचे इस श्रेणी के व्यक्तियों को शत प्रतिशत टीका लगाने के लिए 17 से 30 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में वेबसाइट पर पंजीकरण कराने वाले पहले 200 व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मुख्य समारोह में शामिल होने के लिए आम जनमानस को जिला प्रशासन की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान भी चलाया गया, जहां इस बार तृप्ति और पंकज को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक मिलेगा। प्रदेश युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे बढ़ाने की भाजपा विधायकों के सरकार को लिखे पत्रों को आग के हवाले किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इन पत्रों को लिखने का क्या फायदा जब इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। संगठन के उपाध्यक्ष संदीप चमोली के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसले हॉल पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो उन्होंने खटीमा से विधायक होने के नाते तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे बढ़ाने की सिफारिश की थी, परंतु जब वे स्वयं मुख्यमंत्री बन गए तो वे इस मामले में देरी कर रहे हैं। समय साक्षी न्यूज बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए भी बने रहें समय साक्षी के साथ।